रेस्क्यू वहाँ पर हो रहा है, युद्ध स्तर पर पहुंचे वहाँ पर अधिकारी, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अफसर पहुंचे हुए हैं, अधिकारी पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू इसी जो है तेज किया जा रहा है, क्योंकि जो मेन गेट है वहां से मरीजों को उतारा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई अंदर फंसा न रहे, क्योंकि आग इतनी हवा बहुत तेज चल रही है, लिहाजा आग बुझाने भी काफी दिक्कत आ रही है। हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड है वो भी यहाँ पर आई हुई है, वो भी आग बुझाने का काम कर रही है और रेस्क्यू का काम कर रही है। जी दानिश, मेट्रो हॉस्पिटल के कौन सी मंजिले में आग लगी है ये? देखिए मेट्रो हॉस्पिटल की पांचवी और छठी मंजिल पे आग लगी और आग लगते लगते कम से कम उसने पूरे हॉस्पिटल को अंदर ही अंदर अपनी जद में ले लिया है। तो इसको अभी शुरुआती दौर में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ पहली बात लगता है कि मरीजों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ अंदर क्या है। सबसे पहले इस वक्त मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, पहली प्राथमिकता यही कि सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दानिश, क्या खबर वहां से मिल रही है, कितने मरीज हो सकते हैं अंदर फंसे हुए, संख्या कितनी हो सकती है? दानिश के पास फिर से जाएंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देखिए, वहां पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू के लिए तमाम अधिकारी वहां पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, लगातार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश हो रही है। पांचवी और छठी मंजिल में आग लगी, आग किस वजह से लगी वो लगातार जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इसीलिए युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपको मेट्रो हॉस्पिटल के हम आप दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, तोड़ा जा रहा है और इसी को तोड़ने के बाद ही मरीजों तक पहुँचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पांचवी और छठवी मंजिल में आग लगी है और वहां पर कुछ मरीज अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। काफी मरीज जिनको बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी यहां मरीजों के फंसे होने की खबर मिल रही है। मरीज अंदर हो सकते हैं जो फंसे हों, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल को आग ने अपनी जद में ले लिया है और वहां पर आग लगातार फैलती ही जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पानी की बौछार लगातार, पांचवी और छठवीं मंजिल होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन लगातार जो कोशिश है वो वहां पर की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम वहां पर चलाया जा रहा है। अस्पताल में भयानक आग, शीशे तोड़कर वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं और उसके बाद वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है सुरक्षित। तस्वीर लगातार आपको नोएडा से हम दिखा रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल में। इसी पर एसएसपी वैभव कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव जी, आप भी बताइए अपडेट क्या कुछ, कितने मरीज अंदर फंसे हो सकते हैं? देखिए हमारी दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई हैं, हमारे अधिकारी सब मौके पे हैं और आग का कारण क्या है अभी पता नहीं लगा है। पहली प्राथमिकता लोगों को निकालने की वहां से है और सिचुएशन कंट्रोल में है, सभी सुरक्षित, हम लोग अच्छे तरीके से इसे निपटा देंगे, सब लोग बाहर निकल। रेस्क्यू वहां पर चल रहा है युद्ध स्तर पर, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मरीज अंदर फंसे हो सकते हैं। हाँ रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, जल्दी सभी लोग निकाल लिए जाएंगे। लेकिन आपसे ये जानना मैं चाहूंगी कितने मरीज अभी हो सकते हैं अंदर फंसे हुए? देखिए अभी संख्या का कहना मुश्किल है, लोग अभी तब निकल जाएंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा। अभी पहली प्राथमिकता बिल्डिंग को सेफ कस्टडी में लेने की है और जो यहाँ पे आग से प्रभावित जो एरिया है वो उसे नॉर्मल कर दिया। और ये मेट्रो हॉस्पिटल के पांचवी और छठवी मंजिल में आग लगी है? जी जी। रेस्क्यू लगातार हो रहा है वहां पर, क्योंकि जितने मरीजों को बाहर निकाला गया है कहा जा रहा है कि उससे थोड़े से कम, लेकिन वहां पर मरीज हो सकते हैं ऊपर फंसे हुए। हाँ हो सकते हैं, मरीज हो सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि बिल्डिंग पहले सिक्योर करने की प्राथमिकता है, जल्दी निकाल ली।
और फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पर मौजूद है, मौके पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका वैभव कृष्ण तमाम जानकारियों के लिए। ये तस्वीर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। वैभव कृष्ण एसएसपी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता यही है कि मरीजों को बाहर कर लिया जाए, क्योंकि अभी आग किस वजह से लगी है वो दूसरी बात, लेकिन पहली प्राथमिकता जो है वो ये कि मरीजों को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी संख्या कितनी है मरीजों की ये साफ नहीं हो पाई है। और वहां तक पहुंचने में पांचवी और छठवीं मंजिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां तक पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। शीशे को तोड़कर वहां पहुंचा जा रहा है और जो मरीज अंदर दिख रहे हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है रस्सी के जरिए, वो नीचे उतर रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप मेट्रो हॉस्पिटल की, भयानक आग वहां पर, धुएं का गुबार वहां से उठ रहा है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, अधिकारियों फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद। और जो दिक्कत है वो यही कि ऊंचाई होने की वजह से, पांचवी छठवीं मंजिल होने की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन वहां पर रेस्क्यू के लिए टीमें मौजूद हैं जो लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और लगातार मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम किया जा रहा है। तस्वीरें मेट्रो हॉस्पिटल के, अब आग किस वजह से लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अधिकारी तुरंत ही आग की सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू वहां पर चलाया गया, कई मरीजों को बाहर सुरक्षित निकाल भी लिया गया है, बड़ी संख्या में मरीजों को सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया गया। लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि बहुत मरीज हो सकते हैं जो अंदर फंसे हुए हो, जिनको निकालने के लिए लगातार कोशिश और लगातार मशक्कत वहां पर की जा रही है। मेट्रो हॉस्पिटल की तस्वीर आप देखिए जरा, वहां पर रेस्क्यू के लिए टीमें जगह जगह पर मौजूद हैं, अलग अलग मंजिल पर जो रेस्क्यू की टीम है वो मौजूद है, शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश और निकालने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं अधिकारी, और जो अन्य मरीज उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है बड़ी संख्या में। लेकिन अभी भी कुछ मरीज अंदर हो सकते हैं, क्योंकि पांचवी छठवी मंजिल, लेकिन इसके आसपास भी आग लगातार फैलती जा रही है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन रेस्क्यू भी वहां पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, ये भी अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि अंदर कितने मरीज और हो सकते हैं फंसे हुए, और नाजुक मरीज जो उनके साथ परिजन तीमारदार वो भी अंदर फंसे हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि 50 के तकरीबन मरीज जो है वो बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन 100 के पार अभी वहां पर मरीज हो सकते हैं जो अंदर फंसे हुए हो, जिनको निकालने के लिए वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा, लेकिन दिक्कत आने की वजह से शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। पांचवी छठी मस्जिद की तस्वीर जहां पर आग लगी और उसके आसपास भी आग लगातार फैलती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो अंदर फंसे हुए थे 50 के आसपास मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों मरीज हो सकते हैं जो अंदर फंसे हुए हों, जिनको बाहर निकालना बहुत जरूरी, और निकालने के लिए लगातार वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार देखिए आप धुआं किस कदर यहां से उठ रहा है, काला धुआं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत कि लगातार अधिकारी तो लगे हुए हैं वहां पर, रेस्क्यू के लिए टीमें भी वहां पर मौजूद है, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं। पांचवी छठवीं मंजिल की तस्वीर, शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश, रस्सी के जरिए उनको नीचे उतारा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, दमकल की 65 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए करीब 50 मरीज हैं जो हॉस्पिटल से नीचे निकाले गए हैं, और 65 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो रेस्क्यू के लिए पानी की बौछार लगातार कर रहे हैं और वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया, वो भी मौके पर मौजूद है। अंदर फंसे हुए मरीजों को बाहर उतारने की एक बड़ी चुनौती, और सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि कोई भी मरीज अंदर छूटने न पाए, और लगातार इसीलिए वहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए आप हर मंजिल पर टीम मौजूद है, हर मंजिल पर अधिकारी मौजूद है, टीम मौजूद है जो मरीजों को तलाश रहे वहां पर। कहना यह है कि किसी भी मंजिल पर मरीज हो सकते हैं जिनको सुरक्षित नीचे उतारा जाए।
और अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या कितनी है इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा रहा। कहा हालांकि ये जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में मरीज हो सकते हैं अंदर, जिनको बाहर निकालना बड़ी चुनौती और पहली प्राथमिकता है प्रशासन के लिए भी। हालांकि अधिकारी डीएम से लेकर एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, लगातार उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा और मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी खबर ये है, जो अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं, 50 मरीज जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल, वहाँ पर से मरीजों की संख्या आखिर कितनी है वहाँ पर, और 50 अभी निकाल लिए गए हैं, तो आखिर अंदर कितने मरीज अभी भी फंसे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले एसएसपी वैभव कृष्ण से बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिया। तस्वीर लगातार आपको नोएडा से हम दिखा रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल में, इसी पर एसएसपी वैभव कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव जी आप भी बताइए अपडेट क्या कुछ, कितने मरीज अंदर फंसे हो सकते हैं। देखिए हमारी दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई हैं, हमारे अधिकारी सब मौके पे हैं और आग का कारण क्या है अभी पता नहीं लगा है। पहली प्राथमिकता लोगों को निकालने की वहां से है और सिचुएशन कंट्रोल में है, सभी सुरक्षित, हम लोग अच्छे तरीके से इसे निपटा लेंगे, सब लोग बाहर निकल। रेस्क्यू वहां पर चल रहा है युद्ध स्तर पर, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मरीज अंदर फंसे हो सकते हैं। हाँ रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, जल्दी सभी लोग निकाल लिए जाएंगे। लेकिन आपसे ये जानना मैं चाहूंगी कितने मरीज अभी हो सकते हैं अंदर फंसे हुए। देखिए अभी संख्या का कहना मुश्किल है, लोग अभी तब निकल जाएंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा। अभी पहली प्राथमिकता बिल्डिंग को सेफ कस्टडी में लेने की है और जो यहाँ पे आग से प्रभावित जो एरिया है वो उसे नॉर्मल कर लेते हैं। और ये मेट्रो हॉस्पिटल के 5वीं और 6वीं मंजिल में आग लगी है। जी जी। रेस्क्यू लगातार हो रहा है वहां पर, क्योंकि जितने मरीजों को बाहर निकाला गया है कहा जा रहा है कि उससे थोड़े से कम, लेकिन वहां पर मरीज हो सकते हैं ऊपर फंसे हुए। हाँ हो सकते हैं, मरीज हो सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि बिल्डिंग पहले सिक्योर करने की प्राथमिकता है, जल्दी निकाल ली जाए। और फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पर मौजूद है मौके पर, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका वैभव कृष्ण। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, अस्पताल में भयानक आग लग गई, धुएं का गुबार वहां से उठ रहा है, सैकड़ों लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, 50 मरीजों को लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी खबर ये कि सैकड़ों लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। दमकल की 65 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। अस्पताल में भीषण आग की तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुबार उठ रहा है, लोगों की संख्या, आसपास के लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। दो तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल में भयानक आग, आखिर आग की वजह क्या ये साफ नहीं हो पाई है। और लेकिन 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, अभी भी सैकड़ों की तादाद में अंदर फंसे हो सकते हैं मरीज, जिनको निकालना प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता है। अस्पताल में भयानक आग, और आग आखिर किस वजह से लगी है ये जानने की कोशिश बाद में होगी, लेकिन पहले जो प्राथमिकता वो यही कि जो मरीज अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि 5वीं और 6वीं मंजिल में आग लगी है और इसी वजह से वहां पर दिक्कत भी आ रही है, शीशे को तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर तमाम मरीज जो फंसे हुए हैं, मरीजों के साथ में जो उनके परिजन हैं वो भी, तीमारदार जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर आग कैसे लग गई, और आग लग जाने के बाद वहां पर जो रेस्क्यू का काम है वो हालांकि युद्ध स्तर पर चल रहा है, 5वीं और 6वीं मंजिल, लेकिन इसके आसपास भी आग लगातार फैलती जा रही है ये कहा जा रहा था, लेकिन अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं, एसएसपी वहां पर पहुंच चुके हैं, डीएम साहब वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश हो रही है। तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर अस्पताल में भीषण आग, आग आखिर लगी किस वजह से ये बड़ा सवाल, लेकिन उससे पहले रेस्क्यू का काम वहां पर हो रहा है, 50 मरीजों की संख्या जिनको बाहर निकाल लिया गया है, आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं और कहीं आग आसपास ना फैले इसके लिए भी कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आग कैसे लगी है। प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा की तस्वीर, अंदर जो मरीज फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू का काम, देखिए टीमें वहां पर मौजूद, स्थानीय पुलिस को बुला लिया गया, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की 65 गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं
जो लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं और लगातार मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश है। दो तस्वीरें देखिए आप नोएडा से। पहली तस्वीर भयानक आग की लगातार आपको दिखा रहे हैं। आग आसपास ना फैले इस वजह से आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं, आसपास के जो मकान, उनको भी खाली करा लिया गया है। और जो दूसरी तस्वीर है उसके जरिए आपको समझा रहे हैं हम, क्योंकि अंदर भी अभी सैकड़ों लोग हो सकते हैं फंसे हुए, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। शीशे को तोड़कर मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश, जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश मशक्कत वहां पर की जा रही है किसी भी मरीज की हालत खराब ना हो, कोई भी मरीज वहां पर ना रहे, उसके लिए कोशिश लगातार अधिकारी टीमें कर रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। पहले खबर ये थी कि पांचवी और छठवीं मंजिल में आग लगी, लेकिन अब धीरे धीरे जो आग वो फैलती ही जा रही है। पांचवी छठवीं मंजिल के साथ ही ये कहा जा रहा कि और भी हिस्से हैं जहां पर आग फैल रही है, जिसको काबू में करने के लिए अधिकारी हालांकि वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं। शीशे तोड़कर मरीजों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीर है नोएडा से, ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल में भीषण आग की तस्वीर। आखिर आग किस वजह से लगी है ये भी बड़ा सवाल है, और अंदर मरीजों की संख्या कितनी है, कितने मरीज हो सकते हैं जो अंदर फंसे हुए हो, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो मरीजों की संख्या है उसको लेकर कोई अनुमान नहीं है कि आखिर अंदर कितने मरीज हो सकते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं मरीज अंदर हों फंसे हुए, जिनको निकालने के लिए लगातार जो मशक्कत है, जो रेस्क्यू का काम है वो वहां पर चल रहा है। देखिए नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल में भीषण आग की तस्वीर, और लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि वहां पर क्या हालात हैं और रेस्क्यू का काम किस स्तर पर वहां चल रहा है, क्योंकि डीएम तुरंत मौके पर, एसएसपी मौके पर, और रेस्क्यू के लिए तमाम टीमों को तुरंत मौके पर बुला लिया गया और तब से लेकर लगातार रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। ये दो तस्वीरें नोएडा से, अस्पताल में भयानक आग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल में भयानक आग, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर रेस्क्यू किस स्तर पर किया जा रहा है। लगातार जो राहत बचाव का कार्य है उसमें अधिकारी जुटे हुए हैं और कोशिश यही है कि कोई भी मरीज अंदर ना फंसा रहे, कोई भी मरीज अंदर ना रहे, इसके लिए वहां पर जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू राहत बचाव का कार्य वहां पर तेजी से चल रहा है, युद्ध स्तर पर कहें, क्योंकि टीमें वहां पर मौजूद, स्थानीय पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच गई और तब से लेकर लगातार रेस्क्यू का काम। तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग मंजिल पर अलग अलग फ्लोर में अधिकारी मौजूद हैं, जो टीम है वो मौजूद है, और लगातार कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द हालात पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी आग बुझाने की पहली प्राथमिकता और मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रशासन के सामने पहली प्राथमिकता है। सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। ये आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, ये गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। हाइड्रोलिक जो ऊपर आप देख रहे हैं वहां से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। ये एम्बुलेंस यहां पर लगाई गई है, एम्बुलेंस में उन मरीजों को भरा जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ये मरीज है, मरीजों को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए। ये आप देख रहे हैं शीशे जो सब तोड़े गए हैं, यहाँ पर मरीज थे, सारे शीशे तोड़कर किसी भी तरीके से निकाला जा रहा है मरीजों को। काफी ज्यादा स्थिति यहां पर भयानक बनी हुई है। हाइड्रोलिक दमकल के जुगाड़ियां हैं वो भी यहां पर लगी है। सबसे पहले प्राथमिकता यही है किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए और उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश बार समाचार नोएडा। सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। ये आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, ये गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। हाइड्रोलिक जो ऊपर आप देख रहे हैं वहां से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। ये एम्बुलेंस यहां पर लगाई गई है, एम्बुलेंस में उन मरीजों को भरा जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर ये मरीज है, मरीजों को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए। ये आप देख रहे हैं शीशे जो सब तोड़े गए हैं, यहां पर मरीज थे, सारे शीशे तोड़कर किसी भी तरीके
इलाके से निकाला जा रहा है मरीजों को। काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पर भयानक बनी हुई है। हाइड्रोलिक दमकल के जुगाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगी है। सबसे पहले प्राथमिकता यही है किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए और उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश बारह समाचार नोएडा। रिपोर्ट आपने देखी, मौके पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भारत समाचार मेट्रो हॉस्पिटल से दानिश अजीज की रिपोर्ट आपने देखी। वो भीषण आग लगी हुई है, ये आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं। ये गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं, हाइड्रोलिक जो ऊपर आप देख रहे हैं वहां से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। ये एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है, एम्बुलेंस में उन मरीजों को भरा जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ये मरीज है, मरीजों को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए। ये आप देख ले, शीशे जो सब तोड़े गए हैं, यहाँ पर मरीज थे, सारे शीशे तोड़कर किसी भी तरीके से निकाला जा रहा है मरीजों को। काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पर भयानक बनी हुई है। हाइड्रोलिक दमकल के जुगाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगी है। सबसे पहले प्राथमिकता यही है किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए और उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश बारह समाचार नोएडा। सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है, ये आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं। ये गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं, हाइड्रोलिक जो ऊपर आप देख रहे हैं वहां से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। ये एम्बुलेंस यहां पर लगाई गई है, एम्बुलेंस में उन मरीजों को भरा जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ये मरीज है, मरीजों को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए। ये आप देख ले, शीशे जो सब तोड़े गए हैं, यहाँ पर मरीज थे, सारे शीशे तोड़कर किसी भी तरीके से निकाला जा रहा है मरीजों को। काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पर भयानक बनी हुई है। हाइड्रोलिक दमकल के जुगाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगी है। सबसे पहले प्राथमिकता यही है किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए और उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश बारह समाचार नोएडा। भारत समाचार पर पहली तस्वीर जो दिखाई हमने आपको खबर, और पहली तस्वीर सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार पर, सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग मेरे सहयोगी दानिश कर रहे हैं और दानिश की रिपोर्ट भी आपने देखी। सबसे पहली जो तस्वीर है आपकी और सबसे पहली खबर भारत समाचार पर ही आपकी, देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे, लोग अस्पताल से कूद कर अपनी जान वहां पर बचा रहे हैं, रेस्क्यू का काम वहां पर जारी है। सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आपने देखी, वहां पर क्या हालात है अभी और रेस्क्यू किस तरीके से वहां पर चल रहा है उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखाई दानिश अजीज ने जो मौके पर मौजूद है। भारत समाचार पर सीधी तस्वीरें, पहली खबर और पहली तस्वीर सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार पर। अस्पताल में भीषण आग, नोएडा के अस्पताल में अग्निकांड की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है, फायर अधिकारी कह रहे हैं कि लगातार वहां पर रेस्क्यू का काम वो जारी, अभी भी कई मरीज अंदर फंसे हुए हो सकते हैं यह अधिकारी का कहना है। नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भीषण आग की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है, शीशे को तोड़ा जा रहा है, पत्थर से तोड़ो शीशे को, ये अंदर जो मरीज हैं वो कह रहे हैं कि पत्थर मार के शीशे को तोड़ा जाए और फिर वो वहां से कूदे। उनका कहना है कि वो वहां से कूदना चाहते अपनी जान बचाने के लिए, और लगातार वहां पर जो अधिकारी मौजूद है वो भी शीशे को तोड़कर मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें आपको भारत समाचार ने दिखाई और वहां पर मेरे सहयोगी दानिश भी मौजूद हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पर अधिकारी मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं वहां पर, और टीमें वहां पर मौजूद, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब वहां पर मौजूद है। दमकल विभाग, धुएं के चलते लोगों को निकालने में मुश्किल हो रही है। दमकल विभाग की तरफ से ये कहा गया कि धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकालने में दिक्कत आ रही है और लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। आग की खबर और तस्वीर सबसे पहले आपने भारत समाचार पर देखी जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर रेस्क्यू किस स्तर पर हो रहा है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक गार्ड फंसा हुआ है ये भी कहा गया, और पत्थर से मार के वहां पर शीशे को तोड़ा जा रहा है और मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धुएं की वजह से, जो धुएं का गुबार वहां से उठ रहा है, काला धुआं, उसकी वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और लगातार
ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अस्पताल में भयानक आग की तस्वीर आप देखिए। वहां पर रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। जो मरीज अंदर से बाहर पहुंचाए जा रहे हैं उनको तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। दो तस्वीर आप देखिए, काला धुआं और इसी धुएं की वजह से वहां तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। मरीजों को बचाने का जो काम है, रेस्क्यू का जो काम है, राहत बचाव कार्य का, वो वहां पर लगातार जारी है। शीशे को तोड़कर वहां पर अधिकारी लगातार मरीजों तक पहुंचने की फिराक में कोशिश कर रहे हैं। इसी पर दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दानिश अपडेट दीजिए, क्या कुछ हो रहा है अभी वहां पर? हेलो दानिश, आवाज आ रही है आप तक? जी जी, अपना सवाल हो रहे हैं। अपडेट दीजिए, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, कितने लोग अंदर हो सकते हैं, कोई जानकारी मिली अभी आपको? बिल्कुल, देखिए 50 से अधिक लोगों को निकाल लिया गया है और उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो है शिफ्ट किया जा रहा है। काफी ज्यादा जो हालत है यहाँ पर, क्योंकि जो रोड है वो पूरी चौक रोड है, जाम रोड है, यहाँ पर जो है जमावड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने चारों तरफ से जो है भीड़ को हटा दिया है और अंदर से मरीजों को निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। यहाँ एक दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौजूद है, उनको भी लगाया गया है अलग, जो मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल्स में ले जाया जा रहा है। बताया यही जा रहा है कि अचानक से धुआं निकला तीसरी या चौथी मंजिल से और ये आग फैलते फैलते पांचवी छठी मंजिल तक पहुंच गई। दानिश, फायर विभाग की तरफ से कहा गया कि धुआं जो काला वहां से उठ रहा है उसी की वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। अभी को देखिए, हवा काफी तेज चल रही है, काफी तेज हवा है, हवा की वजह से जो धुआं है वो अंदर भरा हुआ है। हालांकि जो जो बिल्डिंग का फ्रंट है, फ्रंट तोड़ दिया गया है, शीशे का फ्रंट था वो पूरा तोड़ दिया गया, जिससे धुआं अंदर ना भर के बाहर निकल जाए, जिससे अगर कोई अंदर फंसा भी हो तो वो भी यहाँ से जो है अंदर उसके दम घुटने के जो चांस है वो कम रहे। लिहाजा इसी वजह से बाहर का जितना भी शीशे का फ्रंट था वो सारी की सारी खिड़कियां तोड़ दी गई है, मेन गेट का जो फ्रंट था वो भी तोड़ दिया गया है। यही कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से जितने भी लोग हैं सकुशल उनको बाहर निकालकर उनको अलग अलग जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में यहाँ पर मरीज थे, उसकी के साथ तीमारदार यहाँ मौजूद थे। दानिश, कौन कौन सी टीमें वहाँ पर मौजूद है रेस्क्यू के लिए? देखिए यहाँ पर अभी जो लोकल रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस कर रही है वो मौजूद है, दमकल विभाग की जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे बहुत सी चीजें यहाँ पर जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं ऐसे मौकों पे काम करने वाले, वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की बात हो रही है लेकिन अभी एनडीआरएफ टीम यहाँ पर पहुंची नहीं है। काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से दिक्कत तो आ रही है थोड़ी बहुत कि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा मरीजों को और उनके तीमारदारों को निकाल लिया गया। जो इनका एग्जिट गेट था, जो एग्जिट जीना था, वहां से मरीजों को निकाला गया है, लेकिन हॉस्पिटल काफी बड़ा है, लिहाजा अभी भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई फंसा तो नहीं है। तो अलग अलग टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, जो अंदर दमकल के कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ अंदर कोई भी हो ना, जिससे इसको कोई नुकसान हो सके। जी बिल्कुल दानिश, और पांचवी और छठवी मंजिल की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता ये भी हो जाती है कि अगर आग पर एक बार ही काबू पा लिया जाए तो उसके बाद तफसील से मरीजों को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, ये सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि जो मेन जो इनका एग्जिट था वहीं से मरीजों को निकाला जा रहा है, वहीं से जो है बाहर किया जा रहा है, और जो धुआं है वो इतना ज्यादा था जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त अभी की अगर हम बात करें तो स्थिति बिल्कुल ठीक सी नजर आ रही है। अंदर जो शीशे थे सारे तोड़ दिए गए, तो अंदर हवा जो धुआं था वो नहीं भरा हुआ है। दमकल के जो कर्मचारी हैं वो भी अंदर ही मौजूद है, पुलिस के कर्मचारी अंदर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि हाँ पूरी बिल्डिंग में जो धुआं भर गया था उसके वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि हाँ सारे लोग निकाले जा चुके हैं, अंदर कोई फंसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंश्योर किया जा रहा है कि हाँ कोई भी अंदर फंसा ना हो, उसको उसको जो है चीजें नॉर्मल हो, कोई भी अंदर ना हो, लिहाजा इसकी वजह से पूरी इंश्योर किया जा रहा है कि हाँ ये अब यहाँ अंदर कोई नहीं। ठीक दानिश, ये मान लिया जाए कि थोड़ी देर के बाद रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा और मरीजों को बाहर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल, ये माना जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा और जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है रेस्क्यू खत्म हो जाएगा। दानिश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचाएंगे हम। ये लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे, तीन तस्वीरों के जरिए समझा रहे, और इससे थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी दानिश ने वहां पर हालातों का जायजा लिया, वो अजर आपको दिखाते हैं। सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है, ये आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, ये गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं, हाइड्रोलिक जो ऊपर आप देख रहे हैं वहां से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है, ये एम्बुलेंस यहां पर लगाई गई है, एम्बुलेंस में उन मरीजों को भरा जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ये मरीज है, मरीजों को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए। ये आप देख रहे हैं शीशे जो सब तोड़े गए हैं, यहाँ पर मरीज थे, सारे शीशे तोड़कर किसी भी तरीके
से निकाला जा रहा है मरीजों को। काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पर भयानक बनी हुई है। हाइड्रोलिक दमकल के जुगाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगी और सबसे पहले प्राथमिकता यही है किसी भी तरीके से मरीजों को बाहर निकाला जाए और उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश बार समाचार नोएडा। तो आज की पहली खबर और पहली तस्वीर आपने देखी सिर्फ उससे भारत समाचार पर। लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वहां पर रेस्क्यू का काम किस तरीके से चल रहा है उसकी भी अपडेट आप तक दे रहे हैं। अस्पताल में भयानक आग की तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल में धुएं का गुबार, दूसरी तस्वीर बचाव कार्य वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है, तीसरी तस्वीर के जरिए आपको समझा रहे हैं वहां पर हालांकि अधिकारी मौके पर मौजूद है लेकिन धुएं का जो गुबार वहां से उठ रहा है उसी की वजह से आग बुझाने में दिक्कत भी आ रही है और मरीजों को बाहर निकालने में दिक्कत आ रही है। ये मौके पर जो एम्बुलेंस है वहां से मरीजों को बाहर जो निकाला गया है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है, तुरंत स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, अलग अलग टीमें वहां पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद हालात पर काबू पा लिया जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे, जो मरीज अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन खबर ये कि सैकड़ों की तादाद में मरीज अंदर हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। देखिए सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश हो रही है और किसी भी तरह से अंदर अस्पताल के अंदर भी सर्च ऑपरेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई मरीज अंदर फंसे तो नहीं है, इसको लेकर अधिकारी लगातार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 50 से अधिक मरीजों को बाहर निकाल लिया गया था सुरक्षित, लेकिन अंदर कहा यह जा रहा था कि मरीज फंसे हो सकते हैं, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू का काम वहां पर लगातार जारी है। और अधिकारियों का अब ये कहना है कि अब मरीजों की संख्या अंदर कम हो गई है, धीरे धीरे मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है और जल्द से जल्द मरीजों को पूरी तरीके से हॉस्पिटल से बाहर निकाल लिया जाएगा, रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे। अस्पताल में भयानक आग की तस्वीर नोएडा की यह खबर। नोएडा सेक्टर 12 में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल जहां पर ये भीषण आग और आग के बाद से लगातार हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीढ़ी लगाकर वहां से मरीजों को नीचे उतारा जा रहा है और मरीज जो है वो वहां से कूदने के लिए भी उतारू हो रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं आग ना फैले। और अधिक पांचवी छठवीं मंजिल में भीषण आग और तब से लेकर लगातार हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शीशे को तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है, सीढ़ी लगाकर मरीजों को नीचे उतारा जा रहा है, धुएं की वजह से मरीजों को नीचे उतारने में दिक्कत आ रही थी, रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी रेस्क्यू का काम काफी हद तक सफल भी हुआ, सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है नोएडा के मेट्रो अस्पताल में सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, अभी अपडेट ये भी है कि सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन अंदर कोई और मरीज ना फंसे हों, कोई अंदर और मरीज के परिजन ना फंसे हों, इसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार, खिड़कियों को तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है, अस्पताल के शीशे तोड़कर लोग बाहर निकले, अस्पताल की दूसरी मंजिल पर भी आग ने अपनी दस्तक दे दी, पांचवी छठवीं मंजिल की हम बात कर रहे थे जहाँ पर आग लगी, ऊपरी मंजिल पर भीषण आग और ऊंचाई होने की वजह से, पांचवी छठवीं मंजिल होने की वजह से आग पर काबू पाने में भी दिक्कतें आ रही थी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर काम युद्ध स्तर पर हो रहा है, अभी भी अंदर मरीजों की तलाश लगातार जारी है कि और अंदर मरीज ना फंसे हों। अस्पताल की तीसरी चौथी मंजिल जहाँ पर भी आग, दोपहर 12:15 पर यह आग लगी और लगातार करीब एक घंटे से ज़्यादा का वक्त